गीता के 588 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं और श्री कृष्ण जी अर्जुन से बातें कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग मनुष्य अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को नहीं मुझको समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि परिस्थितियाँ बिकट होती हैं लेकिन ये टेम्प्रोरी होती हैं। जो भी सुख होता है टेम्प्रोरी होता है, दुख होता है टेम्प्रोरी होता है। तो सुख में उछलना नहीं है, दुख में रोना नहीं है। या तू धर्म काम अर्थ ना कृत्य ध्या धार्यते अर्जुन प्रसन्न फलाकारी धृति सा पार्थ राजसी। इसका मतलब है अया यानी जिससे, तू यानी लेकिन, धर्म यानी धार्मिकता, काम यानी काम इंद्रिय तृप्ति जिसको काम बोलते हैं, अर्थान तथा आर्थिक विकास को, धृतिया संकल्प धृति से, धार्यते यानी धारण करना, अर्जुन मने है अर्जुन, और प्रसंगेन मने आसक्ति के कारण यानी लेजीनेस के कारण, फल अहंकारी कर्म फल की इच्छा करने वाला, धृति यानी संकल्प या धृति, और पार्थ यानी है पृथा पुत्र, पृथा यानी कुंती को बोला गया है, पुत्र यानी अर्जुन, और राजसी यानी रजोगुनी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, लेकिन है अर्जुन, लेकिन है अर्जुन बता रहे हैं, श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, जिस धृति से मनुष्य धर्म, तो धृति का मतलब हमने बताया, धृति का मतलब है संकल्प, धृति से मनुष्य धर्म अर्थ यानी पैसा धन दौलत तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है और इंद्रिय तृप्ति के कामों में लिप्त रहता है, उसे राजसी कहा गया है। तो राजसी का मतलब हो गया जो अपने इंद्रिय, जो आँख कान नाक त्वचा उसकी तृप्ति के लिए जो लगा रहता है, जो काम में डूबा रहता है, उसे राजसी कहा गया है गीता में। तो तात्पर्य क्या है इसका, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्मफलों का सदैव आकांक्षी होता है, धार्मिक या आर्थिक कार्यों में सदैव कर्मफलों के लिए अपना जो कर्मफल है उसके लिए आकांक्षित रहता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, आँख कान नाक त्वचा जीव, तथा जिसका मन, मन हुआ जीवन तथा इंद्रियों इस प्रकार संलग्न रहती है, जो उसमें डूबी रहती है, उसे रजोगुनी कहा जाता है, राजसी या रजोगुनी कहा जाता है। अब दूसरे दोहे पे हम आते हैं, या स्वप्ना भयम शोक विषादम मदमेव च ना विमुचति दुर्मेधा सा पार्थ तामसी। यानी हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह से के परे नहीं जाती है, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो तामसी किसे कहा गया, इसका अर्थ हुआ, इससे यह अर्थ निकलना चाहिए कि सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता, सत्वगुणी जो होता है वो स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पे स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है, स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो राजसी हो तामसी हो, स्वप्न तो प्रकृति घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने की से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहलाते हैं। तो ऐसे लोग जो स्वप्न देखते रहते हैं और प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती है, उसमें लिप्त रहती हैं सारे, तो ऐसे लोगों को तामसी धृति वाले कहा गया है गीता में। तो लिप्त नहीं रहना है लेकिन वो लिप्त रहते हैं, इसलिए उसे तामसी धृति वाले कहा गया है गीता में। और रजोगुनी उसको कहा गया है जो
अपने कर्म में इंद्रिय तृप्तियों के लिए लगे रहते हैं, उसे राजसी गुण कहा गया है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।